रन। वैसे अच्छा ही हुआ कि अलीगढ़ की फैक्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी सॉल्व हो गई और हम दोनों यहाँ वापस आ गए। वहाँ तो मैं और देर नहीं रुक सकती थी, कितनी अकेली पड़ गई थी मैं वहाँ पर। क्यों, मैं तो तुमसे मिलने आता था वहाँ पर। क्या जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा तुमने सुना है ना कि मिहिर भैया एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे और उस प्रोजेक्ट में काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। अरे भाई कोई भी नया काम करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मीर भैया से बात करके उस प्रोजेक्ट का चार्ज मैं ले लेता हूँ। वैसे भी मुझे लग रहा है कि शायद मीर भैया उसे अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किरण क्या मीर भैया मानेंगे? क्यों क्यों नहीं होंगे, इसमें ना करने वाली क्या बात है, आखिर मैं उनका छोटा भाई हूँ, वैसे भी अपने ही अपनों के काम आते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इस काम में रिस्क काफी बड़ा है, इसीलिए मीर भैया बहुत टेंशन में रहते हैं। हाँ तुमने ठीक सुना है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन उतना ही बड़ा फायदा भी है। अगर हम रिस्क से डरेंगे तो काम कैसे चलेगा। वैसे भी कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम सब लोग साथ मिलकर काम करें तो। किरण एक्चुअली मैं तुमसे इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो ना। देखो तुम तो मेरी एजुकेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तुम जानते हो कि मैं कितनी एक्सपीरियंस्ड हूँ, राइट? इसलिए मैं चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट में मैं भी तुम्हारा साथ दूँ। I want to be a part in this business administration. नहीं आरती, that's not possible. But why? आरती तुम अच्छी तरह जानती हो कि अलीगढ़ की फैक्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारे रिलेशन में कितने प्रॉब्लम आ गए थे। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये बिजनेस करो, प्लीज। यार ये हमारा काम है, हमें करने दो। आरती आई नो यू कैन डू इट बट आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। लेकिन क्यों किरण, तुम तो जानते हो कि फैक्ट्री का काम कुछ और था और ये बिजनेस का काम कुछ और है, दोनों अलग चीजें हैं, तो फिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? आरती बिजनेस करने वाले हर एक आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, इसी वजह से बिजनेस में भी पति पत्नी का ईगो क्लैश कर सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन में किसी भी तरह से दरार आए। किरण अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिसकी वजह से मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिले। हाँ ऐसे कई काम है ना, वैसे भी हमारे काम में कितने क्रिएटिव काम हो रहे हैं, तुम चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल रोटी पकाना, चावल बिनना, कपड़ों पे इस्त्री मारना। चुप। एक ओके बाबा, ओके। आरती। अरे किरण तुम कब आए? I'm so sorry, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अरे भाई तुम मैगजीन में इतनी खोई हुई हो, देखोगी कैसे? वैसे ये क्या टाइम हुआ मैगजीन पढ़ने का? अरे कुछ करने को था नहीं इसलिए मैगजीन पढ़ रही थी। ये तुम मुझसे कह रही हो कि कुछ करने के लिए नहीं था? अरे कल अंबा भवन की ओपनिंग है और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, कुछ घर में काम वाम नहीं है क्या? अरे पापा मैं बोर हो रही थी इसलिए मैगजीन पढ़ने लग गई, और वैसे भी मेरे करने लायक घर में कोई काम नहीं, तुम ही बताओ क्या काम है। किरण भैया ये लीजिए चाय। थैंक यू रघु। ये लीजिए आपकी चाय भी आपके पीछे पीछे ही आ गई। पौधों को पानी देना होता है तो वो बाधे देती है, किचन का काम चाचियां संभालती है, तो मेरे करने लायक क्या बचा? अब तो सब्जियां भी रघु ही लेके आता है बाजार से। तुम भी ना बस, वैसे एक जमाने में जो सुख रानियों को मिलता था, जो आराम जो ऐश मिलता था, वो आजकल तुम्हें मिल रहा है। भाई तुम तो इस घर की रानी बन गई हो। लेकिन डार्लिंग मैं इस घर की रानी नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी रानी बनी हुई हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी औरत की तरह जीना चाहती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि तुम जब बिजनेस अपने हाथ में लो तो मैं तुम्हारा साथ दूँ। ऑफिस का चार्ज जब संभालेंगे तब की तब देखेंगे, फिलहाल शांति रखो प्लीज। वैसे भी अलीगढ़ की फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हुए उससे मैं बहुत डर गया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से ऐसा कुछ हो। किरण हमेशा तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, आई कैन अश्योर यू कि इस वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानते, प्लीज मुझे मना मत करो। ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में, ओके? अच्छा ये बताओ हेमंत भैया कैसे हैं? उनकी हालत अब कैसी है? आरती हेमंत की हालत अभी तक ठीक नहीं है, और वैसे भी ऐसे मामले में हालत ठीक होते होते
थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा पूजा के बारे में कुछ पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, लेकिन आई थिंक अब इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके ओके, एज यू विश। गुड मॉर्निंग किरण। गुड मॉर्निंग मम्मा। लाओ मैं करती। आरती ने नाश्ता किया? नाश्ता अभी तो उठी है, उसके बाद वो तैयार होगी तब आएगी नाश्ते के लिए। और मुझे हो रही ऑफिस के लिए देर, इसलिए मैं बैठ गया नाश्ते के लिए। किरण मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोलो ना। ये हेमंत आकर ऑफिस का चार्ज लेने वाला है, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? मम्मा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। वैसे काम तो करना ही है, चाहे हेमंत के अंडर ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मीर भैया जो काम कर रहे हैं ना, मैं उसका चार्ज ले देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे भाई जब तक मैं बाप नहीं बन जाता तब तक सारा बिजनेस तुम्हें संभालना है। संभालो यार। मीर भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं आपका सारा काम अच्छी तरह से संभालूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। मामा आपको क्या हुआ? आप क्या सुबह सुबह सोचने लगी? मैं ये सोच रही थी किरण कि इस घर में हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से कुछ न कुछ काम करता है। आरती भी एडुकेटेड है, उसका एडुकेशन वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। आरती काम करना चाहती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मीर भैया मैं जब से अलीगढ़ से आया हूँ ना, मामा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। मम्मी क्या चाहती हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर मां चाहती क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है कि ये काम हम भी तो कर सकते थे। हमने भी तो MBA की डिग्री अमेरिका से ली है। हमने अलीगढ़ का प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुली हैंडल किया था। वैसे भी किरण और आरती को आराम की जरूरत है। हाँ बात तो सही है, लेकिन हेमंत। मीर तुम क्यों खामखा बात को इतना सीरियस बना रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है हेमंत अपना काम ढंग से कर पाएगा। किरण हेमंत भैया के तेवर देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे। वो पूजा को भूलने को तैयार ही नहीं है। He needs to go somewhere and relax. Don't worry आरती, सब ठीक हो जाएगा, okay? नहीं किरण, बात सामने आ चुकी है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो अपने ही पैरों पर कुराड़ी मारने जैसी बात हो गई। किरण हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सारा का सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और कोई काम नहीं आ रहा, और जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, और मुझे लगता है कि इन हालात में हेमंत को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा। आपकी क्या राय है? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हालात में अगर हमने हेमंत को ये प्रोजेक्ट सौंप दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक हमें आरती को इन्वॉल्व करना चाहिए। आरती को? भैया ये बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये बिजनेस हम भाइयों के बीच में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आरती को घर के ही कामों में हाथ बटाने दीजिए ना। किरण मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आरती बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये प्रोजेक्ट संभाल लेगी। She will handle it. क्या वो इस बात से राजी होगी? राजी? वो तो कब से ही प्रोजेक्ट करना चाहती है। लेकिन भैया आप आरती को छोड़िए ना, आप ये सोचिए कि कहीं इस बात से हेमंत को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हेमंत को? आई डोंट थिंक सो, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने सारी बात क्लियर करूंगा। ओके मीर भैया आप सोच लीजिए, ये ना हो इस बात को लेकर हेमंत और हमारे बीच में मतभेद पैदा हो जाए, और फिर अगर आरती घर के कामकाज करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा ना। और आप ये भी तो सोचिए अगर वो घर पर रहेगी तो तुलसी भाभी को कितनी सहूलियत होगी। किरण तुम आरती का सोचो, तुलसी का नहीं। आरती एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसका नॉलेज हमारे बिजनेस में काम आ सकता है। और वैसे भी अगर वीरानी खानदान की बहू ये काम करना चाहती है तो हमें रोकना नहीं चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट। हेलो मीर वीरानी स्पीकिंग। अब मीर भैया को कैसे समझाऊं?